आपको मैं बताऊंगा कैसे छुटकारा आता है, कैसे हमारे जीवन में छुटकारा आता है, हम कैसे छुटकारे को ले सकते हैं अपने जीवन में, हम कैसे छुटकारे को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। लूका उसका 5 अध्याय और उसका 20। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। 24। परंतु इसीलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो तुरंत उनके सामने उठा और वो जिस पर पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ए मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। अब उसके बाद में फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह को है। याद रखना, इस पृथ्वी के ऊपर, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, बाइबल बताती है, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर में अगर कोई आपके पाप को क्षमा कर सकता है तो वो प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु मसीह को ही ये अधिकार मिला है कि वो मानव जाति के पाप को क्षमा कर सकता है। क्यों 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 प्रभु यीशु मसीह को अधिकार मिला? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही अधिकार मिला कि वो पापियों के पाप क्षमा कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के पाप को, मानव जाति के पाप को अपने ऊपर में लिया, दंड को अपने ऊपर में लिया, और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पाप के लिए मारे गए। क्रूस पर उन्होंने अपना लहू बहा दिया। काहे के लिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा ही आज मानव जाति का पाप क्षमा हुआ है। चर्च, प्रभु यीशु मसीह के पास ही क्यों अधिकार है पाप क्षमा करने का? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है मानव जाति के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है, अपना बलिदान दिया है, अपने प्राण दिए हैं प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन, आमीन। आपको एक बात बता दूं मेरे प्रियो, हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है, बहुत सारी कहानियां सुनी है, और हमेशा कहानी में यह होता है कि वो पापियों को मारने के लिए, वो हीरो पापियों को मारने के लिए आया, वो पापियों को मारने के लिए आया, वो पापियों को नष्ट करने आया, वो पापियों को नष्ट करने के लिए आया। हम ऐसी कहानी सुनते हैं, लेकिन आपको बता दूं प्रभु यीशु मसीह की कहानी ऐसी नहीं है। परंतु बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं आए, पापियों को नष्ट करने नहीं आए, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि पापियों को नर्क जाने से और शैतान से और पाप से बचाकर उनका उद्धार करके उनको स्वर्ग लेकर के जाए। इस व्यक्ति के विश्वास को देख करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। चर्च, अगर आप चाहते हो कि आपके पाप क्षमा हो जाएं, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। आप विश्वास करना कि यीशु प्रभु है, और यीशु को आप प्रभु और उद्धारकर्ता अपने जीवन में ग्रहण करना, और जब वो आपके विश्वास को देखेगा, आज आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। अब कुछ लोगों के लिए पाप क्षमा बहुत सरल सी बात होगी, पाप क्षमा बहुत सरल सी बात होगी, लेकिन आपको मैं बताता हूं, पाप क्षमा सरल बात नहीं है, पाप क्षमा जो बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो भी कैसे, सुनो। अब भैया, ये जो व्यक्ति खाट में लेटा हुआ था, रखवा का रोगी था, ये प्रभु यीशु मसीह के पास में क्यों आया? इसको प्रभु के पास में क्यों लेकर के आए, बताओ मेरे को, कोई बताओ मेरे को, क्यों लेकर आए उसको? क्या चाहिए था उसको? बोलो, उसको क्या चाहिए था? लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं उसको देखकर? तेरे पाप, वो पाप क्षमा के लिए आया था कि चंगाई के लिए आया था? बोलो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको देख करके बोलते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। चर्च, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, जब तक के आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, तब तक के ना आपके जीवन में चंगाई होगी, ना छुटकारा होगा, ना आशीष आएगी, ना चमत्कार होगा, ना आश्चर्यकर्म होगा, ना ही कोई गवाही होगी। जैसे आए थे वैसे ही मायूस लौट जाओगे। बिना पाप क्षमा किए प्रभु आशीष आपको दे नहीं सकता। एक व्यक्ति को छुटकारा देने से पहले उसके पाप क्षमा करना जरूरी है, उसको पाप से छुटकारा देना जरूरी है, तभी वो छुटकारा पाएगा। क्योंकि क्योंकि क्यों क्यों इसलिए क्यों क्यों क्योंकि आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो,
यौहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय में जब हम देखते हैं तो एक व्यक्ति था 38 वर्ष का रोगी, 38 साल से वो बीमार था, 38 साल से वो बीमार था और ऐसे रोड पर बैठा रहता था। एक दिन प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं और 38 साल के रोगी को देखते हैं और देख करके उसको कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। 38 साल का रोगी कहता है हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु ने उसको चंगाई दिया और जब चंगाई दिया तो सुनो, जब चंगाई दिया तो जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सुन, अब तू चंगा हो चुका है, अब सुन तू जाकर फिर पाप, अब तू जाकर फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इससे भी बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जाकर फिर पाप मत करना, कहने का मतलब क्या था? वो 38 साल का जो रोगी व्यक्ति था वो अपने पाप के कारण से बीमार था, 38 साल से वो बीमार था, आधी जिंदगी निकल गई बीमारी में। क्यों बीमारी आई? पाप कारण है उसका, पाप। समझ में आ रहा है? पाप के कारण से ये विपत्ति 38 सालों से उसके ऊपर में थी, चर्च। इसलिए प्रभु ने उसको कहा मैंने तेरे को चंगाई दे दिया, मैंने तेरे को छुटकारा दे दिया, लेकिन सुन जाकर फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो जाए इससे भी बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है? 38 साल से रोगी है, लेटा हुआ है जमीन पे, धूल पर, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, इससे बड़ी विपत्ति क्या है? लेकिन वो उसके पाप के कारण आई थी। समझ में आ रहा है? अब जब ये व्यक्ति खाट पे जो लेटा हुआ है लकवाग्रस्त, ये जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, वो बीमार था। क्यों बीमार था? क्यों बीमार था? जानते हो क्यों बीमार था? जड़ क्या है? जड़ क्या है? जड़ है पाप। पाप के कारण से वो व्यक्ति बीमार था। जड़ है पाप। पाप के कारण से वो व्यक्ति बीमार था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसको देखा और ये नहीं कहा कि ठीक है तू चंगा हो जा, तू स्वस्थ हो जा। प्रभु यीशु मसीह ने देखा और कहा ये बीमारी का जो जड़ है ना वो पाप है, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। और क्या हो गया? उसी घड़ी उसके पाप क्षमा हो गए। लेकिन जब उसके पाप क्षमा हुए, चर्च याद रखना, जब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि पाप क्षमा होना अंदर की बात है, ये आत्मा की बात है, ये अंदर की बात है। जब पाप क्षमा होगा ये अंदर का बात है, लेकिन जैसे ही आपका पाप क्षमा होगा उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपके शरीर में, आपके प्राण में, आत्मा में, आपके फाइनेंस में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आशीष और सफलता, उन्नति, स्वास्थ्य के रूप में दिखने लग जाएगा। आमेन। ये लकवा का रोगी था, प्रभु यीशु मसीह ने इसको देखा और कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे ही इसके पाप क्षमा हुए, मतलब जैसे ही इसके ऊपर से पाप का बंधन टूट गया और जैसे ही ये अपने पाप से आजाद हो गया मेरे प्रियो, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल और सरल रीति से बोला अब तू चंगा हो चुका है, उठ अपनी खाट उठा और चलता बन। और वो तुरंत सुना, उठा और अपनी खाट उठाया और चलने लग गया। चर्च, अगर मेरे पाप क्षमा हुए तो उसका रिजल्ट मेरे शारीरिक जीवन पर दिखा, बदलाव, बदलाव। अगर आपके पाप क्षमा हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट आपके शारीरिक जीवन पर दिखेगा। कैसे दिखेगा? अगर आपके पाप क्षमा हो गए तो उसका परिणाम दिखेगा कैसे? चंगाई, छुटकारा, आशीष, सफलता, उन्नति, संपन्नता, शांति, आनंद, जॉब में बढ़ोतरी, बिजनेस में बढ़ोतरी, फाइनेंस में बढ़ोतरी, फैमिली में बढ़ोतरी, हर जगह पर आप अव्वल नंबर पर होगे, हर जगह पर आप आशीषित होगे। आपको मालूम है ये पाप क्षमा होने का परिणाम है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? कितने लोग को समझ में आ रहा है? इसलिए याद रखना, चंगाई प्राप्त करने से पहले, छुटकारा प्राप्त करने से पहले, आशीष प्राप्त करने से पहले, नौकरी, जॉब, कोई भी आशीष प्राप्त करने से पहले जरूरी है आपके पाप क्षमा हो। और आज प्रभु यीशु मसीह मेरे मुंह से कहता है आपके पाप क्षमा हुए, आप सबों के पाप क्षमा हुए।